नमस्कार मु आज नुआ उपाय रे पालंग साग तरकारी बने पई जाऊ अछि तरकारी बनेबा पई मु एठी अधे किलो पालंग साग नै छि पालंग साग को मु भल्ला परे बाछि ताको भल्ला परे मु काटि दे छि मु ए तरकारी बनेबा पई गोटे बैगण मु ए परे परे छोट छोट करि काटि नै छि अल्प किछि मटर छुई नै छि गोटे आलू मु भल्ला परे सिजे कि ताको ए परे परे छोट छोट करि काटि नै छि गोटे गाजर भल भाव छोट छोट कर अल्प किसी बड़ी नहीं गोटे बड़ पिज छोट छोट कर चारोटी कंचा लंका भल भाव चिरी नहीं कड़ा चूल्ह में बसई दे कड़ा टी आम भल भाव गरम हो गलानी एवं अल्प किसी सोरस तेल ताद सोरिष तेल टी भल भाव गरम हो गलानी एवं रखि बड़ी को ताभर दे भल भाव भाजीदे बड़ी टी आम भल भाव भजा हो गलानी एवं ताको गोटे पात्र बाहर कर नवा से तेल अल्प किसी पांच फुटन देद काटि रखि कंचा लंका को ताभर देद काटि रखि पिज को ताद भल भाव लाल कर भाजीदे पिजटी आम भल भाव लाल हो गलानी एवं काटि रखि पर देद पर पिज सांग भल भाव गोड़ दवा स्वाद हिसाब से लुण देद गोटे चमच हलदी गुंड ताद भल भाव गोड़ दे पर किसी समय पर ढाकिद A few minutes later. 2 मिनट परे ढांकुंटी बाहर कर दवा परे गुड़ी को भला भरे गुले दवा परे गुड़ी को आमर भला भरे भजा हो गलानी दोई रखी थी पालंग साग को ता भितरे दे दवा पालंग साग टी को परिवा संगरे भला भरे गुले दवा एबे किछ समय पर ढांकी दवा पांच मिनिट पर ढांकुंटी बाहर करदे शागटी को भल भाव गोड़ दे भाजी रखि बड़ी को चूरिकी ताद गोटे चामच जीरा गुंड दे दूँगी राग हिसाब से लंका गुंड दे दूँगी शागटी को भल भाव गोड़ दे किसी समय पर ढाकिद दुई मिनिट पर ढांकुंटी बाहर करदे शागटी को भल भाव गोड़ दे पालंग शाग तरकारी आम भल भाव हो गलानी पर गुड़ी आम भल भाव सीझी गलानी एवं ताको चूल्हे ओल्ल दवा देखो आम पालंग शाग तरकारी के सुंदर भाव होते सुंदर बास्ना भी होखला बेलू लोभ होगापी यही उपाय आपन पालंग साग तरकारी घरे बनई खातु केमी लगला कमेंट मध्यम जनातु जदि आम भिडी आपको पसंद आसुची तो लाइक करूँ सेयार करूँ यहीपर नुआ नुआ भिड देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।